इवन, अगेन टू डिजिट नंबर है, हमें वन तक लेकर आना है। वन्स प्लेस पर लिखा हुआ डिजिट अलग कर लेंगे, यहाँ पर वन, और बचा हुआ जो टू है वो एज इट इज लिख लेंगे। वन को करेंगे डबल, वन इंटू टू टू, इस टू को टू से माइनस करेंगे, सो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये पूरा नंबर वन डिजिट तक रिड्यूस हो गया है और रिजल्ट में हमें आइदर जीरो और सेवन चाहिए, तो रिजल्ट इज जीरो। सो यस, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेवन। अगर यहाँ आंसर सेवन आता तो भी हम कह सकते थे कि दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेवन। नाउ लेट अस कम टू द डिविजिबिलिटी बाय इलेवन। इलेवन से नंबर डिविजिबल है या नहीं ये देखने के लिए वी सी डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन प्लेसेस इज आइदर जीरो और डिविजिबल बाय 11। मतलब नंबर के जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स हैं उनका सम और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस या तो फिर जीरो आना चाहिए या तो फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो। लेट अस चेक एन एग्जांपल। हियर ऑन द ब्लैकबोर्ड यू कैन सी द नंबर रिटर्न इज 38,25,591। अब इसमें हम पहले ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स की प्लेसेस अलग कर लेते हैं। तो 3 देखिए फर्स्ट नंबर पे, यानी ये ऑड प्लेस पर है। 2 थर्ड नंबर पे है, ऑड प्लेस पर है। 5 फिफ्थ नंबर पे है, ऑड प्लेस पर है। 1 सेवेंथ प्लेस पर है, यानी ऑड प्लेस पर है। तो ये सारे हो गए ऑड प्लेसेस के डिजिट। 8 देखिए सेकंड पोजीशन पर है, इवन प्लेस। 5 देखिए फोर्थ पोजीशन पर है, इवन प्लेस। 9 देखिए सिक्स्थ पोजीशन पे है, इवन प्लेस। तो 3, 2, 5 और 1 ये हो गई ऑड प्लेसेस। 8, 5, 9 ये हो गई इवन प्लेसेस। अब इनके डिजिट्स को हम सम अप कर लेंगे। तो ऑड प्लेसेस पे देखिए कौन कौन से डिजिट्स है, 3, 2, 5, 1 इनको हम कर लेंगे प्लस। 3 + 2 + 5 + 1 द आंसर इज 11। अब हम इवन प्लेसेस की डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, 8, 5, 9 सो 8 + 5 + 9 द आंसर बिकम 22। इन ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को प्लस करने के बाद आंसर मिल गया, इवन प्लेसेस की डिजिट्स को ऐड करने के बाद आंसर मिल गया। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 22 माइनस